जिन लॉ स्टूडेंट्स को ड्राफ्टिंग सीखनी है, ड्राफ्टिंग के अंदर अपना प्रोफेशन बनाना है, या फिर उनको प्रोफेशन नहीं बनाना, या फिर उनको सिर्फ नॉलेज गेन करनी है और वो एक लॉ स्टूडेंट है, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आप सभी लोगों के लिए इंटर्नशिप आ चुकी है। आपको प्रॉपर एक सुपरविजन के अंदर एक ऑफिसर के साथ में काम करना होगा, अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, ड्राफ्टिंग करनी भी होगी, साथ में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है एक सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए। हर एक लॉ स्टूडेंट्स को इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं आईएएस के अंदर सारी की सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कैसे एप्लीकेशन भेजनी है, क्या क्या काम करने का मिलेगा, कितने टाइम के लिए आपका ड्यूरेशन होगा, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या फॉलो आपको करनी पड़ेगी चीजें एक सिलेक्शन के लिए। अगर आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो इंटर्नशिप का लेटर होगा ये आगे तक लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएगा। 100% मेरा रिकमेंडेशन है आप सभी लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई जरूर करिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स, लॉ स्टूडेंट्स अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ही चालू करना। अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी का एक नया लिंकिंग बैच लॉन्च करा जा रहा है, जिसको तनुष पलिहाल एंड टीम की तरफ से लीड करा जाएगा, चालू करा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 6 months की इसकी ड्यूरेशन होगी, 28th of July 2021 तक ये बैच चालू हो जाएगा। साथ ही में अगर आप राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी एंड अदर स्टेट्स ऑफ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच के लिए जरूर प्रोसीड कर सकते हो। आपको इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा रहेगा, अगर ये जब ही रहेगा जब आप कोड अप्लाई करोगे SLG10 का 10% डिस्काउंट 100% हैंड टू हैंड मिलेगा। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी सभी लोगों के लिए अवेलेबल होती है अनअकैडमी की तरफ से। SLG10 का कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए मिल जाएगी। ऐसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइजेस शो हो रहे होंगे, आप कोड अप्लाई करेंगे SLG10 का तो 1 month, 3 month, 6 month, 18 months और 12 months, 24 months के प्लान्स आपको अवेल हो जाएंगे 10% डिस्काउंट के साथ में। साथ ही में फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हो जिसमें मैंने IPC कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप एक्ट अभी रनिंग में चल रहा है। सबसे पहली बात आती है इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर एक ये डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जो अपना ड्राफ्टिंग का रिसर्च वर्क का काम करके देता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, फिर वो आगे पार्लियामेंट में फॉरवर्ड करा जाता है सारा का सारा रिपोर्ट आफ्टर स्क्रूटिनिटी। तो यहां पर आपको जो है इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है सभी लॉ स्टूडेंट्स को, मैं सबको रिकमेंड करूंगा आप अप्लाई जरूर करेगा। सबसे पहले इस बात हमारे को ध्यान देने वाली क्या है? एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के अंदर जो बच्चे BA LLB का कोर्स कर रहे हैं 5 साल वाला कोर्स, और वो बच्चे अपने फोर्थ ईयर में है या फिर फिफ्थ ईयर में है, या फिर फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, इसको प्रॉपरली हम फाइनल ईयर बोलते हैं, अगर वो बच्चे हैं प्रॉपर वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, प्रॉपर वो एलिजिबल है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आप जरूर इसके अंदर अप्लाई जरूर करने का एक बार सोचना। दूसरी बात आती है इसके अंदर जो लोग LLB कर रहे हैं 3 साल वाला कोर्स और वो अपने LLB में फाइनल ईयर में है, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक बारी बोली है फाइनल ईयर, आप 5 साल वाला कोर्स कर रहे हो फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, आप 3 साल वाला कोर्स कर रहे हो तो आप फाइनल ईयर में हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, याद रखना मेरी बात। अब इसके अंदर ये डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर ही हमारा इंस्टीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च का हमारा पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके कैबिनेट को कंट्रोल करा जाता है। तो आप उसके अंदर हायर हो रहे हो एज अ इंटर्न, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इसके अंदर। दूसरी बात हमें जानने वाली है ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप चलेगी? 4 हफ्ते या फिर 6 हफ्तों के लिए आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो बिना सोचे समझे आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म जरूर भरो, भले आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, एटलीस्ट एक ग्रेट इनिशिएटिव के तौर पर आप अप्लाई जरूर करना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। दूसरी बात इसके अंदर आती है आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात अगर ये ड्राफ्टिंग की है रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा, पहली बात तो यही आ जाती है रिसर्च वर्क डिपार्टमेंट के लिए इंस्टीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च के लिए आपको रिसर्च वर्क पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी जो वो टॉपिक आपको रिसर्च करने के लिए देंगे, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि आपको जो है ना एक ऑफिसर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, आपके ऑफिसर आपको गाइड करेंगे, आपके ऑफिसर आपको काम देंगे, आपके ऑफिसर आपको ड्राफ्टिंग करने के लिए काम देंगे, आपके ऑफिसर आपको ड्राफ्टिंग सिखाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह कवर हो जाती है। तीसरी बात इंटर्न्स को ना जैसे उनकी इंटर्नशिप पूरी होगी, जैसे 4 हफ्ते की अगर आपको स्लॉट मिला है, 6 हफ्ते वो लोग आपको स्लॉट मिला है, तो आपकी जब इंटर्नशिप पूरी होगी तो आपको एक रिसर्च अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपने डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर अपना रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करवानी पड़ेगी कि भाई देखो मैंने इस कॉन्टेंट के ऊपर रिसर्च वर्क करी है, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च वर्क करी है, इस बैकग्राउंड के अंदर मैंने काम करा है, इसकी प्रॉपर आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाना पड़ेगा।
आखिरी बात हमारे को जाननी है कि इंटर्न्स को ना, ये सबसे बढ़िया बात है कि इंटर्न्स को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ना लाइब्रेरी के अंदर जाने का मौका मिलेगा। आपको पता होगा कि अगर जो लॉ स्टूडेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और उसकी लाइब्रेरी का आपको एक्सेस मिलेगा, जो दुनिया संसार की सारी बुक्स आपको पढ़ने को मिल सकती है। आप वहां पे जाकर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जब आप फ्री हो। आपको लगता है कि मैं घर नहीं जाना चाहता, अभी 2 घंटे मेरे पास है, आप लाइब्रेरी में जाकर अपने नोट्स प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो और अलग अलग चीजों के डिपार्टमेंट्स के बारे में जानो कि हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, कहां पे लॉ जॉब्स निकलती रहती हैं, और भी बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज वहां देख के, प्रैक्टिकल देख के आपको बहुत फायदा होगा। अब इसके अंदर बात हमारे को जाननी है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, जो पूरी वीडियो का मुद्दे की बात है। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा। लिंक के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के बाद आपको बाई हैंड अपने सारे एप्लीकेशन डिटेल्स भर देनी है। डिटेल्स भरने के बाद आपको अपनी फोटोग्राफ्स भी दो अटैच करनी है स्टेपल करके। तीसरी बात, आपको जो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, आपको अपने कॉलेज में जाना है, अपने एचओडी से बात करनी है, अपने लेक्चरर से बात करनी है, या अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बात करनी है कि मुझे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना के दे दीजिए, और एचओडी का साइन या किसी लेक्चरर का साइन या किसी मैनेजमेंट पर्सन का साइन, जो कॉलेज ऑथराइज्ड पर्सन हो विद कॉलेज स्टैंप, उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे आप करवा लीजिए। इसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने जा रहे होंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को साथ में आपको एचओडी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपको अटैच करना पड़ेगा। ये दो चीज आपको करनी है काम, एक एनवेलप में डालिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपने मार्कशीट्स के फोटो कॉपीज भी डालिए, और कोई आपने प्रीवियस इंटर्नशिप करी है उसका भी आप सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, फोटो कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एड्रेस शो हो रहा होगा, वहां पे आप बाई पोस्ट, बाई कोरियर, बाई हैंड अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिएगा। अब इसके अंदर बात आती है कि आपको एक और डॉक्यूमेंट अटैच करना है 250 वर्ड्स का। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोल सकते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट कितना है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर, आप क्या जानते हो, आपने इस बारे में सोचा कैसे, आपने पास कोई सब्जेक्ट था अपने LLB के अंदर, अगर था तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ लिखो। 250 वर्ड्स में अपनी क्वालिटी ऑफ राइटिंग स्किल्स आपको शो करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर इंस्टीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च के डिपार्टमेंट के अंदर आपको उनको शो करना है, इंप्रेस करना है। जो इंटरव्यूअर होगा, जो आपकी जब आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटिनी पे जाएगी कि आपको 2 मिनट में मेल आए, कॉल आए, SMS आए कि आप सिलेक्टेड हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस पूरी की पूरी इंटर्नशिप के अंदर जो लोग अप्लाई करेंगे वो सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं। साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा कि इसमें आपको पैसा नहीं मिलता है, ये अनपेड इंटर्नशिप होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से करवाई जाती है। जो BLLB का कोर्स है तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप LLB कर रहे हो तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बारे में सोचिएगा जरूर, ये आपके लाइफ के लिए पूरी चेंज कर देगा, इस बात का मेरा दावा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी, एक नॉलेजेबल आपको एक नई अपडेट मिली होगी। आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसी अपडेट्स लेके आता रहता हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप डेली मेरी वीडियोस देखते होंगे, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।